हेलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 32 तक, क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर चुके थे। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे। ओके, तो देखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ओके, देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, ये बोल रहा, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। ओके, एच ई प्लस कन्वर्ट्स इनटू एच ई टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इनटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। ओके, ये हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एच ई प्लस तो यहाँ देखिएगा, एच ई प्लस कन्वर्ट हो रहा है एच ई टू प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर रहा, तो आपसे पूछा कि इसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ भी आप देखें तो एच ई प्लस जो है ये आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होंगे और यहाँ से लूज हुआ है इलेक्ट्रॉन। ओके, ई जो है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है। लूज हुआ मतलब इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई होगी। ओके, उसी की बात करनी है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए है अपने पास जो फॉर्मूला है, एच ई एच ई टू प्लस में कन्वर्ट हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एन इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट में जंप किया, तो डेल्टा ई इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। ई इनफाइनाइट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो होता है। ओके, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फॉर्मूला, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, चूंकि हीलियम है तो जेड का वैल्यू 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर बाई फर्स्ट सेल की बात करो तो 1 का स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 4 मतलब 8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम। ओके, यानी कि इस प्रोसेस के लिए, यानी एच ई प्लस को एच ई टू प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो क्या है आपका, 8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। ओके, ये बोल रहा, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोला गया कि एक कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन एटम है जिसका डायमीटर कितना है 0.15 नैनोमीटर। इन कार्बन एटम्स को रखना है एक 20 सेंटीमीटर लंबे स्केल पर। ओके, 20 सेंटीमीटर लंबे स्केल पर रखना है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर लंबा एक स्केल है, इस पे कार्बन एटम को इस तरीके से रखना है। तो पूछ रहा कि टोटल कितने कार्बन एटम रखे जा सकते हैं। ओके, तो एक कार्बन एटम टोटल कितने जगह की ऑक्यूपाई करेगा, तो 0.15 नैनोमीटर, तो टोटल 20 सेंटीमीटर में कितने एटम यहां पर रखे जा सकते हैं। ओके, तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दे 0.15 नैनोमीटर से, तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए लेंथ जो है स्केल का वो 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में अगर हम लोग लिखे तो 20 बाई 100 मतलब 0.2 मीटर।
फिर डायमीटर ऑफ कार्बन एटम 0.15 नैनोमीटर होता है, तो उसको 0.15 इंटू 10^-19 मीटर लिखेंगे। ओके, अब है कि एक एटम जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर। एक कार्बन एटम जो है वो 0.15 इंटू 10^-9 मीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पूछा गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लेस्ड इन 0.2 मीटर स्ट्रेट लाइन, तो 0.2/0.15 इंटू 10^-19 माइनस 9, जो कि सॉल्व करने पर 1.13 इंटू 10^9। तो इतने कार्बन एटम्स को 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल पर अरेंज किए जा सकते हैं। ओके, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2×10^8 एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। ओके, 2×10^8 एटम कार्बन के जो हैं उनको अरेंज किया गया है, रखा गया है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। देखिए, 2×10^8 कार्बन एटम को समझिए 2.4 सेंटीमीटर में अरेंज किया गया है। ओके, 2.4 सेंटीमीटर में कितने कार्बन एटम को रखा गया, तो 2×10^8 कार्बन एटम्स को रखा गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पर एक कार्बन एटम का रेडियस क्या होगा। ओके, तो अगर हम क्या करें कि इस 2.4 सेंटीमीटर को टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर दें, तो एक एटम का डायमीटर निकल कर आएगा, एक एटम का साइज निकल कर आएगा। ओके, कि एक एटम का साइज क्या है, एक एटम का डायमीटर क्या है। अगर डायमीटर पता चल जाएगा तो उसका हम लोग फिर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू 2×10^8। क्लियर, तो लेंथ ऑफ अरेंजमेंट 2.4 सेंटीमीटर, यानी 2.4×10^-2 मीटर, ये लेंथ ऑफ अरेंजमेंट। तो डायमीटर ऑफ वन कार्बन एटम 2.4×10^-2/2×10^8 मीटर, इसको करेंगे तो 1.2×10^-10 मीटर होगा। तो रेडियस ऑफ कार्बन एटम, ओके, तो रेडियस ऑफ कार्बन एटम, डायमीटर निकल गया, तो रेडियस को निकालने के लिए डायमीटर क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर 0.6×10^-10 मीटर, यानी कि 6×10^-11 मीटर आंसर होगा। ओके, ये हम लोग का रेडियस यहाँ पर निकल कर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, बोल रहा द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रम। ओके, 2.6 एंगस्ट्रम है। चुप रहना। तो जिंक एटम का डायमीटर दिया हुआ 2.6 एंगस्ट्रम। बोल रहा कैलकुलेट रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। ओके, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले रेडियस बताना है पिकोमीटर में, और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि 1.6 सेंटीमीटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ओके, और जिंक एटम को अरेंज किया गया, मान लो ये 1.6 है, तो इसमें ऐसे ऐसे अरेंज किया गया है, जिंक एटम को रखा गया। ठीक है, तो चलिए, डायमीटर जो है वो 2.6 एंगस्ट्रम है। ओके, जो 2.6×10^-10 मीटर,
तो 260 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, ओके, यानी 260 पीएम, ये तो डायमीटर हो गया। तो रेडियस में अगर करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा 130 पीएम। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो जो लेंथ दिया गया है अरेंजमेंट का उसको डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे बाई 260 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ओके, जो कि आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 बाई 260, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.615 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब 6.153 इंटू 10 टू द पावर 8 हम लोग का आंसर होगा, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्ब ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, ओके। कोई भी एक पार्टिकल है उसके अंदर जो है वो 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम्ब का चार्ज है, तो आपको बताना कि उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज है, तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना है, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 16, ओके। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ रहा, तो 25 इंटू 10 पावर 3 बाई 16, मतलब सॉल्व करने पर 1.56 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप 1560 इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये बोलता है इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्सरेज, ओके। इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज माइनस 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बोल रहा है कि मिल्कन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऑयल ड्रॉप है और उस ऑयल ड्रॉप पे चार्ज जो है वो है 1.282 इंटू 10 टू द, यानी बोला गया कि मिल्कन्स के पास, मिल्कन एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल ड्रॉप है और उस पर कितना टोटल चार्ज है, तो माइनस 1.282 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम्ब है। तो आपसे पूछा गया कि इतना चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके, यानी उस ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओके। तो यहाँ देखो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इतना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल ड्रॉप सिंपली एक पे जितना होता है, एक पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो उसी को क्या कर, उसी से डिवाइड कर देंगे जो गिवन वैल्यू है उसको, तो 1.282 इंटू 10 पावर माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड करेंगे तो 12.82 बाई 1.6, इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्स 8 आएगा, ओके, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑयल ड्रॉप, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ एक इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द फॉइल ऑफ हैवी एटम लाइक गोल्ड प्लैटिनम एटीसी हैव बीन यूज्ड टू बी बॉम्बार्डेड बाय द अल्फा पार्टिकल्स, इफ द थिन फॉइल ऑफ लाइट एटम्स लाइक अल्मोनियम एटीसी इज यूज्ड, ओके, इज यूज्ड, व्हाट डिफरेंस वुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एबव रिजल्ट्स। बोल रहा है कि
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान जो था वो गोल्ड फॉयल लिया गया, प्लेटिनम फॉयल यूज किया गया, अल्मोनियम का फॉयल क्यों नहीं यूज किया गया, और अगर यूज करते तो क्या डिफरेंस वहां पर पाया जाता। ओके तो देखिए यहाँ पर अल्मोनियम एक लाइट एटम हो गया और गोल्ड वगैरह जो है वो हैवी एटम कहते हैं उनको, तो हैवी एटम है कि, तो हैवी एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस में मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी मोर नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं, ओके तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिवली, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर सेंटर यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा एटम के, उतना ही ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का डेविएशन देखने को मिलेगा, ओके उतना ही अधिक और उतना ही क्लियरली डेविएशन को ऑब्जर्व किया जा सकेगा जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर न्यूक्लियस में होगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कि लाइट एटम्स लाइक एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो वहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की संख्या जो होगी न्यूक्लियस में वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से जो डेविएशन का ऑब्जर्वेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन जो होगा वो बहुत ही कम होगा। क्लियर होगी बात? तो इसी वजह से लाइट पार्टिकल लाइट एटम का यूज वहाँ पर नहीं किया गया ताकि एक्सपेरिमेंट को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सके। क्लियर होगी बात? देख लीजिए उसी बात को यहाँ हम लिख दिए हैं कि द लाइटर एटम्स हैव लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस सो दे विल सो लेस डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। तो सिंबल BR3579 एंड BR79 कैन बी रिटेन, ओके वेयर एज सिंबल्स BR7935 एंड BR35 आर नॉट एक्सेप्टेबल। आंसर ब्रीफली, अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ब्रोमीन 35, यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं मेजर किया इस वाले में, ओके लेकिन मास नंबर दोनों में मेजर किया है, ओके मास नंबर मेजर किया है। क्लियर है? तो यहाँ एटॉमिक नंबर के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मास नंबर को लिखा, एक में मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों लिखा, एक में मास नंबर को लिखा, तो ये पॉसिबल है और इसको लिख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे कंडीशन में अगर आप देखते हो तो दूसरे कंडीशन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 79 कर देता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। मास नंबर चेंज हो सकता है लेकिन वो आपका एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है एक ही एटम के लिए। अगर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है तो वो हमेशा 35 ही होगा, ना कि 79 हो जाएगा, ओके तो इस कारण से ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यही रीजन, ओके क्योंकि एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है जबकि मास नंबर कांस्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का 41, ये बोलता है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ओके प्रोटॉन के जगह पर प्रोटॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन की अपेक्षा में न्यूट्रॉन जो है वो 31.7% अधिक है, तो बोल रहा असाइन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल बता रहा। तो मान लो प्रोटॉन्स की संख्या x मान लेते हैं तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस x इंटू 31.7 इंटू 100। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू x प्लस x इंटू 31.7 बाई 100, 131.7 x बाई 100 मतलब इसको कितना आएगा ये 1.317x,
ओके तो फ्रॉम फॉर्मूला, ओके फॉर्मूला से यूज करेंगे ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्वेश्चन में 81 दिया गया है, प्रोटॉन हम लोग एक्स सपोज किया और न्यूट्रॉन आया है 1.317x। ओके यानी 81 इक्वल टू 2.317x, तो x का वैल्यू आएगा 81/2.317 जो कि आएगा 34.95 जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 35 के। ओके यानी यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या निकल गई 35 और जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। तो सिंबल करने बोल रहा है, एटम का सिंबल बताना है, तो 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ब्रोमीन का होता है। ओके तो ब्रोमीन के लिए लिख देंगे ब्रोमीन 35, 81। 81 कहाँ से लिखे, तो क्वेश्चन में मास नंबर दिया है तो 81 मास नंबर होगा। ओके और 35 एटॉमिक नंबर, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बोल रहा, एन आयन विद मास नंबर 37 पोजेजेज 1 यूनिट, पोजेजेज 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन। तो एक निगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक का डिफरेंस आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक होगी। ओके तो यहाँ आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, एक्स प्लस एक्स इंटू 11.1/100, मतलब 1.1 by 100 एक्स, मतलब 1.11 एक्स टोटल। और तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे एक कम होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स माइनस वन। तो फॉर्मूला से ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए का वैल्यू 37 क्वेश्चन में गिवन है, पी का वैल्यू एक्स माइनस वन और एन का वैल्यू 1.111 एक्स। ओके अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर ये 38 इक्वल टू 2.111 एक्स आया, मतलब एक्स इक्वल टू निकल कर आया 38/2.111 जो कि नियरली इक्वल आएगा 18 के। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो एक्स माइनस वन मतलब 18 - 1 मतलब 17, और 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का होता है। ओके तो यहाँ क्लोरीन एटम की बात की जा रही है, तो सिंबल ऑफ आयन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन 1737 माइनस। ओके तो ये हो गया हम लोगों का एटम का सिंबल। ओके यहाँ पर क्लोरीन आयन प्रेजेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।